ये मत्स्य आसन हम कर रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके गले में ये खिंचाव तनाव बना हुआ है, यहाँ पर थायराइड एरिया, यहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड होता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। और आजकल जो आप थायराइड के इश्यूज देख रहे हैं, थायराइड प्रॉब्लम बोलते हैं कि या तो थायराइड बढ़ गया है या थायराइड कम हो गया है, तो बढ़ा हुआ मोटापा लेके आता है और जो थायराइड कम होता है उससे आपको शरीर बहुत पतला हो जाता है। इस तरह से जो थायराइड इशू हैं, जो थायराइड ग्लैंड हमारे गले में है, उसके लिए हम आसन बताने जा रहे हैं आपको। तो जो भी मैंने किया वो था मत्स्य आसन। उसको एक बार फिर से बताती हूँ करते कैसे हैं इसको। मत्स्य आसन इस तरह से लेट जाना है और दोनों हाथ इस तरह आप रखें और आपका जो क्राउन है यहाँ इस तरह से आपने मैट पे लगाना है और दोनों हाथ आपके कोहनियाँ इस तरह से मैट पे लगी हुई, चेस्ट उठी हुई, चेस्ट खुली हुई। और ये देखेंगे यहाँ पूरा स्ट्रेच बन रहा है थायराइड के लिए, आपके लिए जो जितना इस ग्लैंड को स्ट्रेच एंड स्क्वीज करेंगे उतना ही ये इसका जो काम है वो अच्छा होता जाएगा और आपको थायराइड के प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। दूसरा आसन जो हम करेंगे कैट एंड काउ पोज है। इसमें एक थोड़ा सा हमने कैट एंड काउ पोज जो ये है, इस तरह से श्वास भरेंगे और गर्दन उठाएंगे। ये आपने स्ट्रेच किया थायराइड ग्लैंड, कमर आपकी बीच में से दबी हुई इस तरह से, ये है आपका बितला आसन, काउ पोज और मार्जरी आसन, कैट पोज। इसमें आपने थायराइड ग्लैंड को अंदर अपने दबाया, तो अब बार बार थायराइड ग्लैंड को स्क्वीज करने से और स्ट्रेच करने से आपके थायराइड पे वर्क होता है। ये था कैट एंड काउ पोज। जो तीसरा आसन रहेगा वो है भुजंग आसन। इस तरह से आपने पेट के बल लेटना है इस आसन में। दोनों पैर कोशिश करें मिला कर रखें। अगर आपने पहले कभी आसन नहीं किए तो आप इन दोनों पैरों को खोल सकते हैं और दोनों हाथ आपके कंधे के साइड में रहेंगे। माथा आप लगाइए मैट के साथ और श्वास भरते हुए उठना है आपने इस तरह से और हल्का सा चिन को उठाना है इस तरह से। अगेन आपने चिन को स्ट्रेच किया, गले को स्ट्रेच किया, देखेंगे आपको फील आएगा थायराइड में स्ट्रेच आएगा। ये है भुजंग आसन। ये भी थायराइड के लिए आपका एक आसन है जिसमें आपका थायराइड स्ट्रेच करता है। ये तीन आसन आपने देखे। जो अगला आसन रहेगा वो होगा उष्ट्रासन। उष्ट्रासन इस तरह से आपने बैठना है, आपके पैर अपने हील्स पे आप बैठिए, दोनों हाथों को अपनी एंकल पे इस तरह से जमाइए और चेस्ट को रेस करें और हाथों को प्रेस करते हुए उठेंगे। अगेन आपने देखा यहाँ जब मैं पीछे जा रही हूँ तो ये मेरा जो थायराइड ग्लैंड है वो स्ट्रेच कर रहा है। ये आपने देखा उष्ट्रासन, जो थायराइड को से आपको आपको जो करने से थायराइड में बेनिफिट मिलेगा ये आसन करने से, उष्ट्रासन करने से। तो आपने जो ये चार आसन देखे, उष्ट्रासन, भुजंग आसन, उससे पहले आपका जो मार्जरी आसन, उससे पहले आपने देखा मत्स्य आसन, ये चारों आसन आप अगर आप रूटीन में करते हैं तो आपको थायराइड ग्लैंड में जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं, आपका भूख नहीं लग रही या भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, उस तरह से ये आसन जो है आपको उसमें हेल्प करेंगे और आपका थायराइड जो है वो ठीक होगा। एक आपको मैं बता रही हूँ प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम आप लोगों ने सुना होगा कि उज्जयी ब्रीदिंग तो बहुत मुश्किल होती है, कईयों से किया नहीं जाता, बट उज्जयी प्राणायाम के बेनिफिट थायराइड के लिए स्पेशली बताए जाते हैं। तो आज हम करेंगे सरल उज्जयी प्राणायाम, सरल उज्जयी ब्रीदिंग, ईजी उज्जयी ब्रीदिंग्स। तो वो उसको करने से जो जिन्होंने नहीं किया कभी भी प्राणायाम और जो नए हैं प्राणायाम करने के लिए उज्जयी, या उनके गले में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आवाज़ निकल ही नहीं रही, बहुत मुश्किल होता है उज्जयी ब्रीदिंग, तो उसके लिए सरल उज्जयी प्राणायाम कैसे किया जाता है देखेंगे। श्वास भरेंगे और आपने अपनी चिन को इस तरह से लॉक कर देना है। चिन लॉक कर लिया, अब यहीं पर आपने श्वास भरनी है और यहीं पर ही आपने गले से आवाज़ निकालनी है। देखिए इस तरह से
फिर श्वास भरें। जब आप आवाज के साथ आवाज करेंगे तो उस समय आपका जो ब्रीदिंग है वो एक्सहेल होगा, श्वास छूटेगी। मतलब पहले कि आपने श्वास इस तरह से भरी, नाक से भरी, और जब आप आवाज निकालेंगे तो आपकी जो श्वास है वो एक्सहेल ब्रीदिंग हो रही है। ये है सरल उज्जयी प्राणायाम। जो मुश्किल है वो मैं करके दिखाती हूँ, वो कर पाएं तो आप करें। कैसे करते हैं, उसमें श्वास भरते हैं इस तरह से, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, गले में बहुत प्रॉब्लम आती है इससे। तो आप सरल उज्जयी ब्रीदिंग भी करेंगे तो आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, उसमें आपको थायराइड प्रॉब्लम में आपको हेल्प मिलेगी। बाकी खाने पीने का आप ध्यान रखिए। आप अगर रात में धनिया, साबुत धनिया भिगोकर सादे पानी में सुबह उस पानी को छान के पीते हैं तो आपको थायराइड ग्लैंड में, थायराइड प्रॉब्लम में हेल्प मिलेगी। डाइट का ध्यान रखिए, वज़न को कम करने की कोशिश कीजिए योग आसन से, प्राणायाम से। लाइफस्टाइल चेंजेस कीजिए, समय से सोइए, जागिए। सूर्य की रोशनी बहुत ज़रूरी है जिससे आपकी बॉडी में विटामिन डी और B12 की कमी पूरी होगी। आप इस तरह से खाने का ध्यान रखिए और अपने लाइफस्टाइल चेंजेस का ध्यान रखिए तो आपको थायराइड से ज़रूर मुक्ति मिलेगी। नमस्कार, मैं साधिका खुराना, मुझसे योग की जानकारी के लिए आप करनाल प्लस के थ्रू मुझसे कॉल कर सकते हैं।